जी सो so, अलैक्म uh, मेरा नाम डॉक्टर जीशान है मैं कंसल्टेंट एनसीजिया हूँ uh, uh, अगर आप में से इफ एनीवन हु ज्वाइंस डज नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज जस्ट लेट मी नो बिकॉज आई एम नॉट श्योर ही हैज लेफ्ट एनीवेज सो वी विल जस्ट स्टार्ट फॉर्मली इन फ्यू मिनट्स लेट्स इंट्रोड्यूस द पर्पज़ ऑफ दिस डिस्कशन और हमारा जो ये फोरम है उसमें मतलब बेसिकली कुछ डॉक्टर्स हैं जो एनस्थीजिया को बिलोंग करते हैं और एक और हमारा फोरम है जिसमें हम मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स ऑन बोर्ड हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली देखें जो मेरा इस तमाम एक्टिविटी का आ, जो पर्पज़ है आ, वो ये है कि आप लोगों को कैरियर के आप जिस भी स्टेज पर हैं आप लोगों को एक बेहतर एक आप ये समझ लीजिए कि एक हॉराइज़न दिया जाए कि जिससे आप अपने आप को एक्सेल कर सकें ठीक है अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जो ओवरऑल जो, 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 जो हमारी मुल्क के अंदर सिचुएशन है और उसका इम्पेक्ट आता है हर इंस्टिट्यूशन पे तो हमें प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिलती ठीक है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिसपे हम डिपेंडेंट होते हैं कि जो हमारे आस लोग हैं हम उनकी बातों पे बस ब्लाइंडली यकीन कर रहे होते हैं और हम उस पर चल रहे होते हैं तो पहला तो मेरा मैसेज ये है आप सब लोगों से बेशक आप मेडिकल स्टूडेंट हैं बेशक आप आ, मतलब कैरियर के आप जिस स्टेज पर मर्जी हैं मेरा पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए ये है कि किसी को भी स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ मैं मतलब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको अपने आप से स्टार्ट करने को कहूँगा कि प्लीज़ खुदा के वास्ते किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें ठीक है क्योंकि uh, मैं ये सबको ये बात बताता हूँ तो वो फिर एक थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका क्या ख्याल है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई गैरा नथु खैरा पहुँचता है बिल्कुल भी नहीं मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी की हमारे सर्कल uh, के वो क्रीम होते हैं ठीक है तो वो जब मेडिकल कॉलेज में पहुँचते हैं तो वो एकदम से अपनी जो इंटेलिजेंस का जो बटन है वो ऑफ कर देते हैं और वो एक लो, सर सीनियर्स ने ही कहा है। सर मैंने सीनियर्स से ये पूछा था तो सीनियर्स ने ये बताया भाई आप लोग मेडिकल कॉलेज में या एफएससी के अंदर वो स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनसे लोग मशवरा ले रहे होते हैं जिनसे लोग सब कुछ पूछ रहे होते हैं ठीक है तो आप मुझे ये बताइए कि सडनली जब आप कैरियर में मजीद ग्रो कर चुके होते हैं तो आप लोग इतने ढम तो नहीं हो जाते ना आप लोगों के अंदर जेनेटिक चेंज तो नहीं आ जाती कि आप लोग जो जो हैं वो आपकी आइडेंटिटी बदल गई और अब आप डाउनग्रेड uh, हो गए तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यूज योर ओन इंटेलिजेंस आपकी अपनी इंटेलिजेंस जो है आपकी वो सबसे बेहतर होगी यस yes, आप सबसे मशवरा करें ये तो हमारा मजहब भी कहता है कि uh, मशवरे में बरकत होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लकीर के फकीर बन जाए और आप भीड़ चाल का शिकार होकर आप लोग लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें ठीक है ये जो आपको पता है ये जो भेड़ चाल का लफ्ज है ना ये भेड़ चाल का लफ्ज अ स्लैंग वर्ड ठीक है जो भेड़ चाल होता है वो भेड़ चाल क्यों कहते हैं कि जिस चीज़ की भेड़ चाल हो रही है वो भेड़ चाल का मतलब क्यों है वो ऐसा होता है कि आप कभी इमेजिन करें एक जो रेवड़ जा रहा होता है बकरे और बकरों का और भेड़ों का वो भेड़े एक दूसरे के ऊपर उनका ना मुंह घुसा हुआ होता है वो पीछे से धक्का पड़ता है वो आगे जाती है उन गरीबों को कुछ पता नहीं हो रहा होता है वो कहाँ जा रहे और वो तो भेड़े उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं उनको तो डंडा पड़ेगा आगे से वो रेवड़ में फंसे हुए वो चल रहे हैं तो आप तो भेड़ नहीं है ना आप लोग तो भेड़े नहीं है तो आप लोगों को तो उस तरह नहीं चलना चाहिए कि जी फलाना मैं आपको मतलब ये पहले बैक करके फिर हम स्पेसिफिक बात कहेंगे ये एक हमारा सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन मेरी बात है जैसे मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आज से कुछ साल पहले ओ जो था ना वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए था एक्सक्लूसिवली ठीक है तो यूके या आयरलैंड के लिए जो लोग भी जाते थे उनको इन डिफरेंटली आयल्स करना होता था ठीक है आज से कोई मेरे ख्याल चार पाँच पांच साल पहले ओ को उन्होंने ओपन कर दिया फॉर यूके आयरलैंड एज वेल तो उसका नतीजा ये हुआ कि हर बंदा बगैर ये सोचे समझे कि आइल्स की जरूरत है आइल्स करना चाहिए आइल्स ज्यादा फिजिबल है या ओ ज्यादा फिजिबल है अल्लाह के वली सारे के सारे ओ के पीछे पड़ गए हालांकि हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओ ई टी इज मोर स्पेसिफिक फॉर द डॉक्टर्स स्पेसिफिकली लेकिन आयरलैंड uh, के लिए अगर कोई ओ कर रहा है तो वो बहुत गलत फैसला कर रहा है उसकी वजह यह है कि ओ की फीस ज्यादा है ओ का सेंटर मुश्किल से मिलता है और आयल्स की रिक्वायरमेंट जो आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए है वो है ओवरऑल जबकि वही रिक्वायरमेंट जो यूके के लिए है वो ज्यादा है तो अगर कोई ये पूछे कि यूके के लिए कौन सा एग्जाम ज्यादा बेहतर है तो नो डाउट ओ ई अ बेटर चॉइस लेकिन अगर कोई पूछे कि आयरलैंड के लिए कौन सा एग्जाम ज्यादा बेहतर है तो इट्स नॉट ओ इट्स आइल्स क्योंकि यूके की जो रिक्वायरमेंट है वो सेवन ईच एंड सेवन पॉइंट क्वाइट डिफिकल्ट लेकिन अगर आप उसको कहें के इसके लिए जीएमसी के लिए तो जीएमसी के लिए वो सेवन ईच और सेवन पॉइंट फाइव ओवरऑल है जबकि आयरलैंड के लिए वो सिक्स पॉइंट फाइव ईच एंड सेवन ओवरऑल है तो ये मैं आपको पहली एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भेड़ चाल की जो आप लोग कर रहे हैं अच्छा फिर उसके बाद जो दूसरी भेड़ चाल की एग्जाम्पल है वो ये है कि आजकल सब लोगों को एक मिथ बताया जाता है कि भाई यू जो है ना वो तो ना बहुत अमीरों की चीज है वो तो कोई भी मस्किन गरीब कर ही नहीं सकता तो भाई यू एस तो नहीं करना और वो सर यू एस तो सर बहुत ही लंबा पाथवे है पता नहीं वहां पे मैच मिलता है या नहीं मिलता तो ये एक और भीड़ चाल की एग्जाम्पल है और सब लोग कह रहे हैं कि जी प्लेप करें ठीक है अच्छा इस इसकी मैं अभी आपको एक, आगे मैं स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा फिर एक और होता है कि जी आजकल बड़े एग्जाम ना ओपन हुए हैं जी लोग ये सर वो ना एम आर सी ई एम कर लेते हैं जी मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन सर वो ना एम आर सी पी कर लेते हैं ठीक है सर वो जो एन एस वाले लोग हैं सर वो एफ आर सी ए मैंने करना है ठीक है इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो याद रखिए बात कि किसी भी मुल्क के अंदर जाने के लिए जो आपको पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उस मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन उस मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी ये है स्पेशलिटी का एग्जाम ठीक है तो जो फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए इस किस्म का एग्जाम पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और अच्छा मैं कहता हूँ कि वो बहुत ब्रिलियंट है उन्होंने पास कर लिया ठीक है तब भी उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा वो इसलिए फायदा नहीं होगा कि वो ये देखें याद रखें कि ये सारे इम्तहान जो हैं ये सिर्फ एक टोकन है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एग्जिट क्वालिफिकेशन होती हैं यानी कि एफ सी पी एस कर रहा है कोई एम सी पी एस कर रहा है कोई डिप्लोमा कर रहे हैं कोई एम एस एम डी प्रोग्राम कर रहा है बट एवर दे आर ऑल एग्जिट क्वालिफिकेशन ठीक है जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो एग्जिट क्वालिफिकेशन का सिस्टम है जबकि तो जो यूके आयरलैंड का जो सिस्टम है वहाँ पर ट्रेनिंग इज सेपरेट और uh, जो है वो एग्जाम्स आर सेपरेट ठीक है तो अगर किसी ने ये एग्जाम्स पास भी कर लिए हैं लेकिन अभी वो बिल्कुल बेबी है उसका एक साल का एक्सपीरियंस है या दो साल का एक्सपीरियंस है वो उसको जॉब नहीं मिलेगी डिस्पाइट उसने एम आर भी बेशक पास कर लिया उसको जॉब मिलेगी कम्बिनेशन से इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगा कि ये एक खाना है और एक स्वीट डिश है ये स्वीट डिश है खाने से पहले कोई स्वीट डिश खाता है या खाने से पहले आप स्वीट डिश किसी को पेश भी कर देंगे तो क्या वो विल इट मेक एनी सेंस इट विल नॉट मेक एनी सेंस ठीक है तो याद रखिए कि हर चीज का एक तरीका होता है इसलिए अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर किसी ये ने एम या मुझे एक मैंने अपना सर पीट लिया एक मुझे एनस्थीजिया का लड़का मिला है जिसको किसी ने पता नहीं किस अल्लाह के बंदे ने बता दिया कि तुम एम आर कर लो वो एनस्थीजिया का बंदा एम आर एम कर रहा था मैंने कहा यार तुम तो मुझे एक बात बताओ तुम एनेट वो थर्ड ईयर रेजिडेंट है मैंने अपना सर पीट लिया कि अल्लाह के बंदे तुम एनस्थेटिस्ट हो तुमको किसने मशवरा दिया कि तुम एम आर करो एनस्थीजिया की तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तुम सबर करो तुम एनस्थीजिया का एग्जाम देना या अगर तुमको कोई करना भी है तुमको सिर्फ चाहिए एग्जिट वो रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो उनका जो एग्जाम है प्लेब है तो वाई यू आर नॉट डूइंग दैट तो एक्चुअली जब भी वहां पर जॉब मिलती है अगली अगली अब हम पॉइंट की तरफ जाएंगे कि किसी भी मुल्क के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें Uh, होती हैं उनके अंदर जो uh, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि पहला वहां की रजिस्ट्रेशन का या तो एग्जाम होगा ठीक है या उनका जो अपना यानी कि आप समझ लीजिए कि उनका अपना एग्जाम होगा प्लेब या प्लीज अपना माइक को म्यूट कर लीजिए जी तो या तो उनका अपना एग्जाम होगा या फिर कोई क्वालिफिक uh, होगी हायर क्वालिफिकेशन ठीक है तो हायर क्वालिफिकेशन का उसको फायदा होगा जिसके पास कोई बैकग्राउंड में पांच साल का छः साल का दस साल का एक्सपीरियंस है यानी कि अगर किसी बंदे ने एफ किया हुआ है या किसी बंदे ने कोई चार पाँच साल का अच्छा नहीं अगर नई भी डिग्री की हुई अगर किसी के पास फोर टू फाइव इयर्स का एक्सपीरियंस है ना उसने अगर ये एमआरसीपी या एमआरसीओजी या, या कोई चीज किया है तो हो सकता है कि उसको कोई फायदा मिले लेकिन जो बिल्कुल जो जूनियर्स हैं उनको कोई फायदा नहीं है यार कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक चीज होती है एक्सपीरियंस ये एक क्वालिफिकेशन को आप रख लें और बाकी आपकी इंटरव्यू होता है इंटरव्यू के अंदर याद रखें कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है जब वहाँ पे आप जाके बैठेंगे ना या आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको बता देगी कि हमने इसको रखना है या नहीं शायद ये आपको बात अभी समझ नहीं आएगी लेकिन आज से दस या बीस साल बाद जब आपके सामने कोई बंदा बैठा होगा ना आप किसी को इंटरव्यू ले रहे होंगे उस वक्त आपको मेरी बात याद आएगी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे आर ऑलवेज देयर बट यूजली आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सब कुछ बता देती है कि भाई मैं ये बंदा ने सिलेक्ट होना है या नहीं होना तो एक चीज़ नहीं एक्सपीरियंस होता है क्वालिफिकेशन होती है इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका रिसर्च की चीज़ें होती हैं ठीक है रिसर्च की चीज़ें होती हैं प्लस आपकी स्किल्स होती हैं ठीक है तो स्किल्स के रेफरेंस से मैं आपको चंद बातें बता दूं ये मैं सारे ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी हैं या जो कोई रेजिडेंट्स भी हैं उन सबको मेरी गुजारिश है कि ये चंद चीज़ों पे आप फोकस करें ठीक है नंबर वन बीएलएस ठीक है ये वैसे तो बाहर बाहर के मुल्क में तो इवन, आ, स्टाफ को भी करना होता है इवन आम जो लोग होते हैं, वो भी करते हैं ये तीन चीजें हो गई आजकल ऑब्स्टेट्रिक्स का अलग से आ गया मुझे उसका नाम नहीं पता लेकिन ऑब्सटेट्रिक्स का इन लोगों ने सेपरेट कर दिया है वो मेरी नजर से कहीं गुजरा था अच्छा उसके बाद एक होता है हमारे

जो कि उसके आईफोन या उसके मोबाइल के साथ अटैच होगी और उसको वो चीजें के जो हम आज स्टेथोस्कोप से करते हैं वो सारी चीजें वो अल्ट्रासाउंड के प्रोप से करेगा कॉल्ड फोकस, ठीक है पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासोनोग्राफी ठीक है इसके अंदर एक आता है फास्ट ये होता है फोकस असेसमेंट ऑफ ट्रामा सोनोग्राफी फॉर ट्रामा ठीक है ये अगर मैं गलत हो जाऊ अप्रीवियशन में तो इंपॉर्टेंट फॉर मी ये बेसिकली ट्रॉमा के रेफरेंस होता है इसी का एक होता है फोकस एको ठीक है फिर उसके बाद तीसरी आ गई है लंग अल्ट्रासाउंड ठीक है चौथी आ गई है आपकी एको के अंदर ना बेसिकली आपने आंसर्स लेने होते हैं नॉट प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग इट्स नेम इज ऑल्सो वट इज ऑल्सो कैन आई कैन यू टेल मी डॉक्टर सादिया ऑल्सो क्या चीज है कि आपने मैसेज किया काइंडली आप मुझे बता दें ये आल्सो क्या चीज है एडवांस लाइफ सपोर्ट इन स्ट्रेट्रिक्स वेरी गुड थैंक यू थैंक यू वेरी गुड थैंक्स फॉर टीचिंग मी थैंक यू क्योंकि यही मेरा जो मैसेज था उसमें मैंने लिखा था ना डे ऑफ लाइफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू विदाउट लर्निंग टीचिंग समथिंग दैट डे ऑफ लाइफ यू वेस्ट

तो बेसिकली इसके अंदर क्या ये पोकस के बारे में मैं एक दो अल्फाज आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसका होगा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखना है आपका पेशेंट इमरजेंसी में आया है और आपने देखा है कि भाई ये पेशेंट शॉक में है ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा तो आपने फैसला करना है कि या तो आपने इसको आइनोट्रोप देने हैं ठीक है या आपने उसको विजोप्रेसर देने हैं ठीक है थीके? या आपने उसको फ्लूड देना है ठीक है तो ये जो पोकस है ये आपको बताएगा कि भाई हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट अच्छी है या नहीं आपने कोई कार्डियोलॉजिस्ट वाला है, को नहीं करना आपको सिर्फ इतनी आपने अपने माइंड की ट्यूनिंग की हुई है कि भाई आप कि कॉन्ट्रेक्टिटी सही हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे कि भाई आ, उसकी एक वीना केवा होती है जो तो हम लोग ये प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे होते हैं एमरजेंसी में हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज रेजिंग रेज टेस्ट आप उसका फुट साइड ऊपर करते हैं और अगर उसका ब्लड उसकी वीनस रिटर्न बढ़ता है अगर उसकी आ, ब्लड प्रेशर इंप्रूव कर जाए तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट डेफिशियंट है तो ये चीज ज्यादा एक्यूरेटली आप करते हैं वीना केवल कंप्रेसिबिलिटी से वीना केवल कंप्रेसिबिलिटी से ठीक है ये आपको पता चल जाएगा उसके बाद आपने जब लंग्स पे के फील्ड में रखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई कोई कोई न्यूमोथोरिक्स तो नहीं है लंग्स जो है वो वेट तो नहीं है कोई प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं है समथिंग लाइक दैट आपको एक मोटा सा आइडिया हो जाएगा तो उससे आप डिफाइन करेंगे कि भाई आपने क्या करना है ठीक है उससे मजीद आप आगे चलेंगे तो इससे आप जो एंडोट्रेकल ट्यूब की पोजीशन देख सकते हैं इससे आप एनजी ट्यूब की पोजीशन देख सकते हैं उससे आप जो है वो आपकी कोई चेस्ट ट्यूब डली हुई है तो आप उसको देख सकते हैं उसके बाद आपका जो कोई न्यूमोथोरक्स है तो वो आपको पता चल जाएगा तो बेसिकली ये है दैट इज फोकस तो आपको हाँ फिर उसके बाद आई वी ठीक है सीवीपी आर्टीरियल लाइन और इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया है उसको रिप फ्रैक्चर हुआ है ठीक है तो आपने उनको उसको कोई इमरजेंसी में फ़ौरी तौर पे कोई ऐसा ब्लॉक लगाना है जिससे उसको पेन रिलीफ हो जाए फ्रैक्चर आया है फ्रैक्चर आपने उसको कोई ऐसी चीज करनी है जिससे उसकी पेन रिलीफ हो जाए ठीक है तो आज से कुछ साल के बाद ये आप ये समझ लीजिए कि दैट विल बी स्टैंडर्ड ऑफ केयर तो ये पोकस और अल्ट्रासाउंड प्रो में लाइटर नोट तमाम खुतिन को मैं ये लेडी डॉक्टर्स को मैं कहूँगा कि वो अपना ना जो हक महर है वो अल्ट्रासाउंड प्रोम रखवा ले बड़ा फायदा होगा ठीक है वो uh, तो ये एक मैंने जस्ट एज अ जोक बात कही है ठीक है तो डेट विल नॉट बी अ बैड आइडिया तो ये बेसिकली आप uh, जो है ये इसकी इम्पॉर्टेंस है तो बेसिकली जब आपने जॉब लेनी है तो आपके पास ये सारी एक्सपीरियंस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वालिफिकेशन विल बी वन थिंग इंटरव्यू विल बी वन थिंग रिसर्च विल बी इंपॉर्टेंट ठीक है और आपकी स्किल्स उसके अलावा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल्स में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना ये सारी चीजें तो आप सीख लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स और हम लोग जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसके अंदर बिल्कुल कोरे हैं उसकी वजह क्या है कि अलहमदुल्ला हमारे जो सीनियर्स हैं तो बेचारे मसरूफ लोग हैं उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है उन्होंने रेस्ट करना है उन गरीबों के पास कहाँ टाइम है कि वो हमें सर पे खड़े होकर हमें बताएं कि मरीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना होता है डॉक्टर अपने कुलीग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना होता है दूसरी स्पेशलिटीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना होता है वो तो बेचारे मसरूफ लोग हैं ना उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है उन्होंने अपनी क्लिनिक्स चलानी है वो कहाँ आप हम गरीबों को सर पे खड़े होके बताएंगे दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम और उसके अंदर वो तो कसूरवार हैं ही हैं आप लोग कसूरवार हैं आप लोग सवाल नहीं पूछते आप लोग उनको इन्वॉल्व नहीं करते आप लोग डरते हैं ओ हो 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 मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कुछ सवाल पूछ लिया तो मेरी बेस्ती खराब हो जाएगी यार कम ऑन हम लोगों की कहाँ कोई इज्जत होती है हमारी कोई इज्जत होती है डॉक्टर्स की आप ज़रा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें कि हॉस्टल में जो बंदा रहता है उसकी कोई इज्जत रहती है वो हर वक्त हर जगह पे कुछ ना कुछ उसके साथ हो रहा होता है कम ऑन कम ऑन कम ऑन प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप अपने सीनियर से सवाल पूछने शुरू करें मेक हिम फील द हीट वो सिर्फ गर्दन में सरिया लेके प्रोफेसर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ उसको इन्वॉल्व करें ना डरें वो कुछ नहीं करेगा आपका वो कुछ कर भी नहीं सकता वो आपके साथ लेकिन बदकिस्मती है कि हमें डरा दिया जाता है ओहो प्रोफेसर साहब ओ हो प्रोफेसर साहब आ रहे हैं प्रोफेसर साहब आ रहे हैं वो ऐसे लगता है जैसे कोई पता नहीं खुदा न खासा प्रोफेसर नहीं आ रहा कोई कोई वाइल्ड एनिमल आ रहा है हम उस उनसे इतना डरते हैं तो खुदा के वास्ते ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे है, प्रेसिडेंट हैं चाहे आप ऑफिसर हाउस ऑफिसर्स हैं बेजती से ना डरें वो क्या करेगा और अच्छा मज़े की बात बताता हूँ उनका काउंटर तरीका क्या होता है वो आपसे चार सवाल पूछेंगे वहीं पर आपके पैलून में से हवा निकल जाएगी ना डरें कोई बात नहीं कितनी दफ़ा वो बेजती करेगा बेजती तो होनी ही होनी है वो बेजती प्रूफ हो जाए वो कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो नहीं तो कम असर कर जाती है बात इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन और जब सवाल पूछें तो उस तरह सवाल पूछें जिस तरह का बच्चे सवाल पूछते हैं बच्चे एक ही सवाल सौ दफा पूछते हैं उनको तो शर्म नहीं आती तो आप भी बच्चा बन जाए लर्निंग के लिए कोई ईगो नहीं होनी चाहिए कोई बेस्ती मेरे आज अच्छा मज़े की बात है आसपास के लोगों से बंदा ज्यादा डर रहा होता है ओहोहो वो कहेगा मुझे तो इसको ये भी नहीं पता ओह इसको ये भी नहीं आता कोई बात नहीं आप सीख रहे हैं क्या होगा क्या फ़र्क पड़ता है कोई वो आपके घर आके डंडा मारेगा या अंडे मारेगा क्या करेगा और आजकल तो हम पाकिस्तानी वैसे ही बहुत माशाल्लाह वो हो गए हैं इम्यून हो गए तो वीगो डाले हमारे घरों के बाहर खड़ी हे तो टेंशन की क्या बात है क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर साहब वीगो डाला भेज देंगे आपके लिए इससे ज़्यादा तो नहीं वो कुछ कर सकते ना तो खुदा के वास्ते स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन जो भी जिस भी स्टेज पर आप हैं मेडिकल स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन पूछें रेजिडेंट हैं क्वेश्चन पूछें मेडिकल इंटर्न हैं या हाउस ऑफिसर हैं क्वेश्चन पूछें ट्रेनिंग कर रहे हैं क्वेश्चन पूछें जो चीज़ समझना आए पूछें वो जिम्मेदार हैं जो सुपरवाइजर होता है ना वो खाली अपनी टैके के लिए वो नहीं बैठा हुआ उसने वो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ really जितने प्रोफेसर होते हैं ना ये अपनी एक्सेप्शन मगर मेजोरिटी मेजोरिटी अल्लाह मुझे माफ करे उनसे प्रायर अपॉलोजीज अगर कोई बंदा इस तरह की सोच ना हो लेकिन इनमें से मेजोरिटी जो लोग होते हैं ये इन पोजिशन को इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को सेटल करना होता है ठीक है और अगर वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को नहीं सेटल करना चाहेंगे तो प्रोफेसरशिप के बग़ैर उनको नहीं होगी आई एम रियली सॉरी मैं पहले ही प्रायर अपोलॉजी कर रहा हूँ वो लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने आप लोगों को गोद लिया हुआ है जो भी आपके स्टूडेंट उनके स्टूडेंट्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं वो रेजिडेंट्स हैं वो जो भी हैं ये उनकी जिम्मेदारी है अल्लाह उनसे पूछेगा कि भाई तुम प्रोफेसर थे तुम्हारे अंडर ये सारे लोग थे तुमने उनको सिखाया या नहीं सिखाया हमने मेक श्योर किया कि जितने भी रेजिडेंट्स थे या जितने भी हाउस में नहीं भाई मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है तो आप छोड़ दें पोजिशन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप छोड़ दें पोजिशन ये आपका काम है ये आपकी जिम्मेदारी है अनफॉर्चुनेटली तो ये मेरे इस मामले में बहुत हार्ड फैक्ट्स है और कसूर आप लोगों का है क्योंकि आप लोग डरते हैं आप लोग सवाल नहीं पूछते ये बहुत बेसिक मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि जो आपने करनी है ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारी डिस्कशन का अभी मैं अगले सेगमेंट्स में हम लोग स्पेसिफिक जाएंगे अलग अलग चीज़ों पर जिसमें हमारा जो है वो एक है स्टडी दूसरा है कैरियर ठीक है और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने स्पेशलिटी को कैसे चूज करना है तो मैं ये ये अपनी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ और उसके बाद जो है हम अगले स्टेप में एक एक करके हम जाएंगे जो अभी तक की जो डिस्कशन है वो मेरी ये है कि आपको बेसिक आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग कोई गए गुजरे नहीं हैं हम लोग हम लोग क्रीम ऑफ नेशन है तो जब मेडिकल स्टूडेंट्स इतने क्रीम ऑफ नेशन हैं तो वो कैसे अपने आप को इतना डंप कर सकते हैं कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स से रेजिडेंट बन गए तो अब उन्होंने ब, आ, लोगों को भीड़ चाल दी हमारा पहला था कि हमने किसी को ब्लाइंड फॉलो नहीं करना हमें तमाम इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है हमने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है हमने अपने सरकम स्टांसेस देखने हैं हमने अपनी पर्सनैलिटी देखनी है अपनी चीज़ों को देख के हमने वेरीफाई करके फिर फैसला करना है ये हमारा पहला रूल था दूसरा हमारा रूल ये था कि हमने किसी भी मुल्क में जाना है तो वहाँ का जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उस पर तोज् देनी है अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है कि कैसे बात करनी है कैसे लोगों से बात करनी है कैसे डॉक्टर से बात करनी है कैसे डिफरेंट स्पेशलिटी से बात करनी है कैसे पेशेंट को प्रेजेंट करना है ठीक है ये हमारी हो गई बेसिक चीज़ ओके मैं यहाँ पर इस इस सेगमेंट को मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि लंबी हो जाती है बहुत तो फिर वो नहीं होती तो अब हम